Assalamualaikum students, I am your teacher Miss Amber. Today our topic is health and safety. ये chapter बच्चों आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें ये अब आपकी revision class है, ठीक है? ये chapter आपको अच्छी तरीके से समझा दिया गया था, जिसकी video आपको अगर आपको need है तो आपको YouTube channel पे मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस है, इसलिए और इसकी आपकी अटेंडेंस कैसे शुरू होगी कि आप वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम प्लेस करेंगे, तो इससे आपकी अटेंडेंस शो हो जाएगी हमारे पास। और इसके आपके 5 मार्क्स हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में काउंट होंगे, ठीक। अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू आपको बता देती हूँ, ताकि उसके बाद आपको जिन बच्चों के मिस हो गया है टॉपिक कोई सा भी, तो वो इसको अच्छी तरह समझ सके। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारी बॉडी किस तरह वर्क करती है। हमारी बॉडी एक मशीन है, जो भी काम हम चाहते हैं उस एक मशीन की तरह वर्क करती है हमारी बॉडी, कि जिसको एनर्जी की भी जरूरत होती है, केयर की भी जरूरत होती है। एक मशीन को हम बहुत केयर देते हैं किसी भी काम करने के लिए, तो इसी तरह हमें बॉडी की भी केयर करनी पड़ती है ताकि वो तरीके से वर्क कर सके। उसके लिए वो केयर क्या है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस लेते हैं, अपनी डाइट को सही रखते हैं, अच्छी डाइट रखते हैं, अपनी चीज़ों जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें हैं उनसे हम परहेज करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है। अब गुड फूड्स क्या है हमारे लिए, हेल्दी फूड्स क्या है कि हम जंक फूड्स ना यूज़ करें। हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए हेल्दी फूड्स होते हैं। इसी तरह हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें क्या हैं कि हमें अपने अगर आप कोई भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, छोटी सी एग्जाम्पल है कि रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको रोड क्रॉस करने के लिए देखना पड़ता है हर साइड पे कि कोई गाड़ी आपको हिट ना करे। तो उसके लिए आपको अगर रोड क्रॉस करते हुए केयरफुल तरीके से रोड क्रॉस करना पड़ता है। इसी तरह जो चीज़ें आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जिस तरह जंक फूड्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बर्गर्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, ये आपके नुकसानदेह हैं, इनको आपको अपनी जो है वो डाइट से अवॉइड करना पड़ता है। इसी तरह बच्चों आपको मजीद इस चैप्टर में ये सिखाया गया था कि आप कोई भी जो हार्मफुल चीज, जैसे फायर है, आग से आप परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि आग आपकी स्किन को जलाती है, वो आपको तकलीफ देती है। इन चीज़ों से आपको परहेज करना है, ख्याल करना है। खेल के मैदान में जाते हैं, कहीं भी पार्क वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीज़ें जो आपको हिट कर दें, नुकसान पहुँचा दें, उनसे आपको परहेज करना है। ये टॉपिक, इसकी मुकम्मल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ इसमें ये समझाया है कि आपको हेल्थ, अपनी सेहत का कैसे ख्याल करना है, हेल्थ का कैसे ख्याल करना है, और सेफ्टी आपको क्या करनी है, सेफ्टी रूल्स आपके लिए क्या है। तो मैंने आपको सेफ्टी रूल्स बताए भी थे कि खाने से पहले हाथ धोना है लाजमी, खाने के बाद हाथ धोना है, टीथ ब्रश करने हैं दिन में 2 दफा, मॉर्निंग में और नाइट में। इसी तरह चीज़ों, कौन सी चीज़ आपकी डाइट के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें आपकी डाइट के लिए नुकसानदेह हैं, उनको भी समझाया गया था इस चैप्टर में। इन सब चीज़ों का प्रॉपर ख्याल करिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।